प्रिय श्रोता बंधुओं, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के दिन क्या खाएं और क्या नहीं। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। प्रिय श्रोता बंधुओं, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो दोस्तों, अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। आज हम आपको यही बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर हमें व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सही जानकारी प्राप्त हो सके उसके लिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। प्रिय श्रोता बंधुओं, महाशिवरात्रि एक ऐसा त्यौहार है जिस दिन हर कोई भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं। पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि महाशिवरात्रि के ही दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। उसी समय से प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लोग व्रत भी रखते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं, व्रत रखते समय आपको कई नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है भगवान भोलेनाथ जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना ही उनका गुस्सा भी भयंकर होता है। इसीलिए भगवान शिव के क्रोध से बचने के लिए व्रत में आपको कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। महाशिवरात्रि व्रत में सबसे जरूरी होता है कि इस व्रत वाले दिन आप अन्न नहीं खा सकते। आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर आप व्रत के दौरान क्या खा सकते हैं और क्या नहीं। दोस्तों, यदि आप शिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो खाने का विशेष ध्यान रखें। खाने में आप फलाहार खा सकते हैं। फल खाने से आपके शरीर में ऊर्जा भी बनी रहेगी और आपका व्रत भी नहीं टूटेगा। व्रत के दौरान सेब, केला, संतरा, अनार इत्यादि खाए जा सकते हैं। दोस्तों, इसके अतिरिक्त ऐसा भी कहा जाता है कि व्रत के दौरान पेय पदार्थों का सेवन करना अधिक लाभप्रद होता है। व्रत के दौरान आप सादा दूध न पीकर सूखे मेवे डालकर दूध पी सकते हैं। व्रत रखते समय हमेशा ही आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रत के दौरान आप आलू, कद्दू इत्यादि का भी सेवन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सिंघाड़े अथवा कुट्टू के आटे की पूड़ी खा सकते हैं, परंतु लहसुन और प्याज का सेवन ना करें। दोस्तों, भले ही आप महाशिवरात्रि के दिन व्रत ना रखें, फिर भी इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पवित्र दिन और व्रत वाले दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही सादे नमक का सेवन करना चाहिए। यदि आपको नमक खाना ही है तो सेंधा नमक खा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सफ़ेद नमक में कई प्रकार के केमिकल होते हैं, इसीलिए आप व्रत वाले दिन सेंधा नमक का ही उपयोग करें। दोस्तों, आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव, जय शिव शंभु।